मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। आज के ब्लॉग को मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगी, मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ। बैकग्राउंड को छोड़ो, हॉस्टल यार गंदा तो हो गई। तो मानसी गायब हो चुकी है क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं जा रही है, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो आज ही रुकेगी। तो मैं अकेली जा रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी लाइक कर दो, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मानसी टेक केयर, बाय बाय कर दो सबको, टेक केयर। हाँ, ये रुचि जो है आप देख सकते हैं मेरी क्लासमेट है, और ये अपनी मेहनत करके कपड़े धो के अभी ने डाल दिया। कॉलेज नहीं जा रही हो रुचि तुम? तो मैम जा रही हूँ कॉलेज, मानसी ने बोला है कि काम वाली आंटी को बुला देना, तो मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे तो कोई और नहीं है। बॉर्डर मैम करो, भूतिया हवेली लगती है लिटरली। तो ये बाहर से कुछ ऐसा व्यू है गर्ल्स हॉस्टल, एंड यहाँ पे एंट्री करनी होती है हम लोगों को। ये गार्ड भैया है, भैया हाय कर दो। सो ये व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से बाहर से, ये है हॉस्टल का बाहर से व्यू, और ये यहाँ से आप लोग वहाँ तक टी पॉइंट तक वॉक कर सकते हो अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हो तो। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, बहुत टाइम लगता है यार, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। आपको मैं दिखाती हूँ कितना दूर है। आज मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आपको अपने साथ साथ लेके ही चलती हूँ वहाँ पे अपनी बकवास के साथ करते करते, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ, कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो आई होप कि मैं आपसे ही बोलूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरी बकर बकर भी गर्मी के साथ बढ़ती जा रही है। इग्नोर माई बकर बकर। मेरे को ना बहुत ही बोरियत हो जाती है, कैसा होता है ना एक महीने में शिफ्टिंग, कभी घर कभी यहां, घर पे भी रहो तो फिर घर भी, एक महीने में सो जाते हैं कि चेंजिंग वाला हो गया है मेरा नेचर। पहले नहीं था इतना जितना हो गया है, मैं देख सकते हैं टी पॉइंट तक पहुंचने वाली हूं, फिर टी पॉइंट से गेट नंबर 6 पे पहुंचना होता है, फिर गेट नंबर 6 के बाद पहुंचना होता है और नंबर 2 हॉस्टल में बॉयज जाते हैं खाना खाने, और हम लड़कियों को पैक करना होता है, और फिर वो पैक करने के बाद हमें धोने भी होते हैं लंच। मैंने सोचा कि मैं बकवास कर रही हूँ तो मैं खुद के फेस दिखा के वो बकवास नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी बकवास फेस दिखा के कर रही हूँ ना यार। बहुत ही गर्मी है, लिटरली बहुत ही गर्मी है यहाँ जयपुर में। तो आपके यहाँ पे कैसा चल रहा है वेदर, आप कमेंट करके बताओ कि बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये है हमारी लक्ष्मण रेखा, यहाँ से आगे हम सिर्फ जब कॉलेज जाते हैं तभी आ सकते हैं, वरना हम नहीं आ सकते हैं। ये है हर्बल गार्डन एरिया हमारे कॉलेज का, जिसमें कि अभी घास ज़्यादा है, हर्बल्स कम दिख रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। अब यहाँ मैं तो थक गई हूँ लिटरली, एक तो ना बहुत दूर है, थक जाती हूँ मैं। तो यही बोलूँगी कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यार स्कूटी लेके आओ, मेरे को भी बैठा के ले जाया करना, फिर थक गई मैं चल चल के। आई नो, वैसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जानवर जैसे ही हैं, बट यहाँ पे जानवर भी रहते हैं असली वाले। आपको मैं दिखाती हूँ, गेट नंबर 6 पे इस टाइम 3 कुत्ते घूम रहे हैं। तो गेट नंबर 6 पे फाइनली हम आ चुके हैं, बहुत तड़कती भड़कती गर्मी में। तो पता है, जैसे पहले हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बताते थे ना कि हम ऐसे पैदल चल के जाते थे इतनी दूर पढ़ने, तो आई थिंक मैं भी अपने बच्चों को बता पाऊँगी कि मैं इतनी दूर पैदल पढ़ के जाती थी, इतना पसीना बहा के पढ़ने के लिए। आई थिंक पढ़ने के लिए भी कम ही अटेंडेंस के लिए, सीक्रेट है किसको बताना मत। गेट नंबर 3 आ गया है, देख सकते हैं आप होम्योपैथी यूनिवर्सिटी का बोर्ड। वहाँ पे कभी हमारी कैंटीन हुआ करती थी उस साइड, बट वहाँ सिर्फ घास और जंगल है। और ये मेरे साथ कौन आया है देख सकते हो आप, और ये ऑडिटोरियम बन रहा है यहाँ पर। जब बच्चे घर जाते हैं तब मैं कॉलेज आती हूँ। आधे से ज़्यादा बच्चे भाग चुके हैं, पूरी क्लास खाली हो चुकी है, सबकी गॉसिप्स चल रही हैं। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल, देख सकते हैं आप पीछे होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है।
तो हॉस्टल जाते टाइम का रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ, कितना टिपिकल है ऐसा। बीच में तो जंगलों वाली वाइब्स जाती हैं, यहाँ पे तो आज गाय भैंसे भी हैं लिटरली, दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम गेट के बाहर से निकलते हैं तो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेंगे नज़ारे। ये गाय भैंसे हमारा स्वागत करते हुए मिलती हैं हमें, कभी भेड़ बकरियाँ, कभी कैमल, तो यही होता है ऑल द टाइम, कभी कुत्ते होते हैं। और ये भैंस के ऊपर कि क्या कहते हैं, गोरेट। हाय, बाय बाय बच्चों, बाय। घास खा रही है एकदम, बारिश के बाद हरी हरी घास आई है ना। तो एक बार जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी अ डे इन माय लाइफ, तब ये बन रहा था, अब ये बन चुका है गेस्ट हाउस। यहाँ पे मतलब पेरेंट्स वगैरह कोई भी आके रुक सकता है, 1000 फी लेते हैं आई थिंक, कंफर्म नहीं है। सो आज मौसम तो मतलब ठीक ठीक हो रहा है, कल ज़्यादा अच्छा था। अब मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ ऑन माय वे, थोड़ा सा और बचा है फिर मैं आपको दिखाती हूँ मानसी क्या कर रही होगी, जाके देखेंगे। बाय द वे मैंने आज कुछ नया सीखा था, तो लेक्सी मैं जाके मानसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी। मैं ना पहले ही फ़ोन चला के रख दूँगी ताकि मानसी को पता चले उसके रिएक्शंस, देखते हैं कि कैसे होने वाले हैं, कि वो क्या रिएक्ट करेगी। लेक्सी, एक बात तो है यार, मेरे को ना यहाँ का मतलब ये नेचर जो है ना ये बहुत पसंद है वैसे, मतलब बहुत ही पीस सा लगता है ऐसे, मतलब अच्छी वाइब्स आती हैं। क्योंकि मेरे को ज़्यादा, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मेरे को ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, मुझे बहुत शांति पसंद है। अच्छी लग रही है यार मैं, है ना। वेलकम बैक टू हॉस्टल, उधर हम कैमरे में आ रहे होंगे, वापस से वही रूम में जाना है एंड आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मानसी क्या करती होगी। तो लेट्स गो, राधे राधे। तो मेरी सो रही है, मैं इसे सोता हुआ छोड़ती गई थी और ये मेरे को सोते हुए मिली है, कितना सोती है बंदी। ये चल रहा है स्ट्रगल, मोटर खराब हो गया मे भी, ये देख सकते हैं आप चांद कितना प्यारा निकला है आज, संजना चांद छुपा बादल में, तो चल रही है पारी, बर्थडे पारी। गाने का कॉपी राइट रख जाएगा, बंद कर दो। ऐसा भी आता है देखो हमारे हॉस्टल की छत से रात को, ये भूतनी यार क्या मस्त आ रहा है ना चांद, मतलब बहुत मस्त गाने चला रहे हैं आज ये लोग। भूतिया हवेली लग रहा है, वैसे भी है ऐसा ही कुछ। वो उधर बॉयज़ हॉस्टल है एंड ये गर्ल्स हॉस्टल है, कुछ ऐसा यहाँ से ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ छत से। अब इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि इस साइड से कैसा लगता है, देखो यार मस्त व्यू तो अच्छा आ रहा है, लाइटें वाइटें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है बट यहाँ कुछ है नहीं आसपास। इधर से इस टाइम वैसे ऑलमोस्ट सब वॉक करते हैं खाना खा खा के, कितना नीचा है, सूट दे रहे हैं और ग्रीन बल्ली है। हमारा रूम जस्ट इसके नीचे है, ये शायद ये हमारे रूम की विंडो है जहाँ पे कबूतर बैठे हैं, फिर जो हमारे रूम की विंडो है, पीछे चांद, तू और वो चांद, चांद कितना सुंदर है और तू कितनी बदसूरत। वाओ मैंने क्या पंच मारा है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, हमें कुछ दिख नहीं पा रहा है ठीक से बट हो गया यार, गाने से पता लगा हमें। ये है हमारी टेरेस का गेट और यहाँ से हम अब जाएंगे अपने रूम में, ये जोड़े वाली मानसी है, चल चल निकल जाए इस हॉस्टल से, निकल यू गेट। सबसे एंड में आता है हमारा रूम,
कीप काम से काम। तो हमारे रूम का ये कॉर्नर तो आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा मेरी वीडियोस में, हॉस्टल में मैं इसी कॉर्नर में बनाती हूँ। तो ये एरिया है जहाँ हमने अपनी कुछ फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। देर आर सो मैनी ब्यूटीफुल रीजन्स टू बी हैप्पी। और ये मेरे टैडवीज़ वगैरह और कुछ, अभी मेरा खाने में नहीं, इसे थोड़ा इग्नोर करो। रूम हमारा गंदा ही है क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आते हैं और इसका बंदर। यहाँ पे हम अपने कुछ नॉर्मल हॉस्टल वाले कपड़े रखते हैं, हमारी स्टडी टेबल साफ रखते हैं हम, मेरा मंदिर है और उधर थोड़ा अभी मैसी हो रहा है। सो दैट्स इट। सो टाइम हो रहा है 11:31 और मेरे को ना एकदम से ब्रेड पकौड़े की क्रेविंग हो गई। मैं रील लेती थी, मेरे सामने आया तो मैं बनाने लग गई हूँ ब्रेड पकौड़े, दिखाती हूँ आपको। तो हमारा पहला ब्रेड पकौड़ा बस रेडी होने वाला है। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और दिखने में भी कितना अच्छा बनाती हूँ मैं खाना। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि मैं कितनी अच्छी कुक करती हूँ। ये ब्रेड है और ये इसका पेस्ट है और फिर इसके बाद तो हम इसे ऐसे करके ना ऑयल में फ्राई करते हैं और हमारे ब्रेड पकौड़े फिर रेडी हो जाते हैं। तो अब हमारे पकोड़े एकदम रेडी हैं विथ केचप। अब मैं इन्हें खाऊंगी, फिर आगे की अपडेट बताऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लग रहे हैं आपको। मैंने बहुत टेस्टी बनाया, आई नो, खा के भी बताती हूँ कैसे लगे। मेहनत सफल हो गई गाइस। सो टाइम हो गया 12:57 एंड नाउ मैं सोने जा रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। टेक केयर गाइस, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सोचा तो कुछ ऐसा था कि हम व्लॉग कल ही एंड कर देंगे, बट इन हॉस्टल वालों को लगता नहीं है कि व्लॉग को एंड किया जाए। आज फिर से वही सीन हो गया है। जब मैं हॉस्टल में आई थी तब एक दो दिन पहले हुआ था ना वही पानी वाला सीन। मेरे को समझ में नहीं आता इनकी कितनी मोटर ख़राब होती है, इनका क्या सिस्टम है। मेरे को सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा था, इन्होंने सिस्टम हैंग कर रखा है हमारा। हम सुबह से बैठ के वेट कर रहे हैं, पानी आए पानी आए पानी आए, बिना पानी के कोई काम होता है नहीं होता ना। तो बताओ हम कैसे। ऊपर से इन लोगों के इतने चोचले हैं ना कि एप्लीकेशन दो, ये दो, रुक रहे हो हॉस्टल में। भाई पहले तुम अपना तो करो, खुद के इतने सारे गिनाने बैठ जाए ना तो हॉस्टल में तो कभी एडमिशन मत देना। मैं सीरियसली गुस्सा भी आ रहा है और सही एडवाइस भी दे रही हूँ। तो अब जाके कहीं पानी आएगा नहीं आएगा, मेरे को नहीं पता कब आएगा, बट आज मैंने देखी कि इस हॉस्टल में कितनी यूनिटी है, कितनी इन लोगों की क्या कहते हैं एकता है, क्योंकि कोई नहीं गया। फिर जब मैंने देखा कि भाई पानी तो आ नहीं रहा, दिख नहीं रहा, हर बार का होता है इनके इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो फिर मैं खुद गई, मैंने जाके बात की या जो भी रहा वहाँ पे। फिर अब मोटर वोटर आई है उठाया और बट जो भी इतनी सारी है, ये है ना कि आपको आवाज़ से उठानी पड़ेगी। जो यूज़लेस चीज़ें होती हैं उन पर हमारे हॉस्टल वाले सबसे पहले उठ के जाते हैं, इन्हें आवाज़ें उठानी होती है कि भाई इस चीज़ में ये करो। जो सेंस वाली बात है उसमें इन्हें कुछ नहीं करना होता, बैठ के स्ट्रगल। भाई गधे हैं गधे हॉस्टल में, सच्ची बता रही हूँ। अगर हॉस्टल वाले देख रहे हैं ना तो तुम गधे हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी था मतलब व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।